नमस्कार, मैं अंशिका श्रीवास्तव और आप देख रहे हैं न्यूज लाइव। राजस्थान सहित 3 राज्यों में मुख्यमंत्री पद को लेकर सस्पेंस बरकरार। भाजपा अध्यक्ष जेपी नड्डा ने वसुंधरा राजे को दिल्ली बुलाया। राजस्थान सहित मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री पद को लेकर अभी भी सस्पेंस बना हुआ है। इस बीच राजस्थान की पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे ने केंद्रीय नेतृत्व को पार्टी लाइन के साथ रहने का भरोसा दिया है। वसुंधरा राजे ने कहा कि वह पार्टी के फैसले के साथ रहेंगी। इस बीच भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने वसुंधरा राजे को बातचीत के लिए दिल्ली बुलाया है। भाजपा की जीत के बाद राजनीतिक गलियारों में चर्चा है कि राजस्थान में इस बार पार्टी नए चेहरों को मौका दे सकती है। दूसरी ओर विधायक बनने के बाद संसद सदस्यता से इस्तीफा देकर दीया कुमारी ने बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा से मुलाकात की। समाचार एजेंसी पीटीआई के अनुसार राजस्थान के नए मुख्यमंत्री को लेकर बीजेपी में अटकलें हैं कि शीर्ष नेतृत्व किसी निवर्तमान सांसद को जिम्मेदारी सौंप सकता है। भाजपा संसदीय दल की बैठक में बोले पीएम मोदी, विकसित भारत संकल्प यात्रा में शामिल हो सांसद। मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और राजस्थान विधानसभा चुनाव में जीत के लिए संसद भवन परिसर में आयोजित भाजपा संसदीय दल की बैठक में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का सम्मान किया गया। भाजपा सांसदों ने मोदी जी का स्वागत है के नारे भी लगाए। बैठक के बाद संसदीय कार्य मंत्री प्रहलाद जोशी ने बताया कि पीएम मोदी ने 3 राज्यों में भाजपा की जीत का श्रेय कार्यकर्ताओं को दिया। प्रधानमंत्री ने कहा कि 3 राज्यों में अच्छी जीत मिली और तेलंगाना व मिजोरम में भाजपा की ताकत बढ़ी है। सभी सांसदों को 22 दिसंबर से 25 जनवरी तक चलने वाली विकसित भारत संकल्प यात्रा में हिस्सा लेना है। मुझे मोदी जी बुलाकर जनता से दूर न किया जाए, मैं मोदी हूँ। प्रधानमंत्री ने तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश में चक्रवाती तूफान मीचोंग से हुए नुकसान पर भी चर्चा की। राज्यसभा में भी लगे तीसरी बार मोदी सरकार के नारे, टीएमसी ने गिरिराज सिंह से मांगा इस्तीफा। संसद के शीतकालीन सत्र की शुरुआत पर लोकसभा में एनडीए सांसदों ने तीसरी बार मोदी सरकार और बार बार मोदी सरकार के नारे लगाए थे। आज राज्यसभा में भाजपा सांसदों ने तीसरी बार मोदी सरकार के नारे लगाए। वहीं लोकसभा से पारित जम्मू कश्मीर आरक्षण विधेयक राज्यसभा में पेश किया जा रहा है। विधेयक में जम्मू कश्मीर विधानसभा में 24 सीटें पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर के लिए आरक्षित की गई हैं। इसके साथ ही जम्मू कश्मीर के इतिहास में पहली बार 9 सीटें अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षित की गई हैं। इसके साथ ही जम्मू कश्मीर में अनुसूचित जाति के लिए भी सीट आरक्षित की गई है। दूसरी ओर पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी पर टिप्पणी को लेकर केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह के खिलाफ टीएमसी की महिला सांसदों ने प्रदर्शन किया और उन्हें कैबिनेट से बाहर करने की मांग की। तेलंगाना में कांग्रेस सरकार का गठन, रेवंत रेड्डी ने मुख्यमंत्री और भट्टी विक्रमार्क ने ली उप मुख्यमंत्री पद की शपथ। कांग्रेस विधायक दल के नेता अनुमुला रेवंत रेड्डी ने तेलंगाना के मुख्यमंत्री पद की शपथ ली। राज्यपाल तमिलिसाई सौंदर्यराजन उन्हें पद और गोपनीयता की शपथ दिलाई। रेवंत रेड्डी के साथ 11 मंत्रियों ने भी शपथ ली। इनमें भट्टी विक्रमार्क ने उप मुख्यमंत्री पद की शपथ ली। इसके साथ ही मंत्री पद की शपथ लेने वालों में सीताक्का, पोनम प्रभाकर, कोंडा सुरेखा, उत्तम कुमार रेड्डी और श्रीधर बाबू शामिल हैं। शपथ ग्रहण समारोह में कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे, कांग्रेस संसदीय दल की अध्यक्ष सोनिया गांधी, राहुल गांधी, प्रियंका गांधी, कर्नाटक के मुख्यमंत्री सिद्धारमैया, उप मुख्यमंत्री डीके शिवकुमार और हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू आदि उपस्थित रहे। अयोध्या में श्रीराम मंदिर में पूजन के लिए अर्चकों का प्रशिक्षण शुरू, 6 माह का प्रशिक्षण कार्यक्रम। उत्तर प्रदेश के अयोध्या में बन रहे श्रीराम मंदिर में पूजा अर्चना के लिए अर्चकों का प्रशिक्षण शुरू हो गया है। प्रशिक्षण के लिए 24 अभ्यर्थी बुलाए गए थे, जिनमें से 2 अभ्यर्थियों ने प्रशिक्षण छोड़ दिया है। लेकिन 6 माह की ट्रेनिंग के दौरान प्रशिक्षकों को श्रीराम जन्मभूमि मंदिर में पूजन अनुष्ठान की विधि और परंपरा आदि समझाई जाएगी और उसका परीक्षण किया जाएगा। इन अर्चकों को सत्यनारायण दास प्रशिक्षण देंगे। सत्यनारायण दास ने कहा कि श्रीराम जन्मभूमि मंदिर विश्व का आदर्श मंदिर बन रहा है, इसलिए यहाँ अर्चक को योग्य होने के साथ परंपराओं की भी पूरी जानकारी होना जरूरी है। इसलिए प्रशिक्षण के दौरान उन्हें सारी क्रियाएं सिखाई जाएंगी और जो योग्य होगा उसे अर्चक के रूप में मंदिर में नियुक्त किया जाएगा। इसके साथ ही योग्य अभ्यर्थी श्रीराम जन्मभूमि परिसर के अन्य मंदिरों में भी अर्चक के रूप में नियुक्त किए जाएंगे।
आगामी 22 जनवरी को श्री रामलला की प्राण प्रतिष्ठा के साथ श्री राम जन्मभूमि मंदिर में होने वाली पूजा का विधि विधान और स्वरूप बदल जाएगा। चेन्नई में तूफान से भारी तबाही के बाद स्कूल कॉलेज बंद, परीक्षाएं भी टली। चक्रवाती तूफान मिचोंग ने चेन्नई समेत तमिलनाडु के 4 जिलों में भारी तबाही मचाई और इसका असर अभी भी दिखाई दे रहा है। यहां स्कूल और कॉलेज आज भी बंद रहे और अर्धवार्षिक परीक्षाएं टाल दी गई हैं। वहीं चेन्नई के बालाचेरी इलाके में दीवार ढहने से 3 लोगों की मौत हो गई। मौसम विभाग के महानिदेशक मृत्युंजय महापात्र ने कहा कि चक्रवात मिचोंग धीरे धीरे कमजोर पड़ने लगा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि चक्रवात से प्रभावित इलाकों में पीड़ितों की मदद के लिए प्रशासन लगातार जुटा हुआ है। प्रभावित इलाकों में सामान्य स्थिति बहाल होने तक राहत और बचाव कार्य जारी रहेगा। तमिलनाडु के मुख्यमंत्री एमके स्टालिन ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को पत्र लिखकर चक्रवाती तूफान मिचोंग से हुए नुकसान और राहत व बचाव कार्य के लिए केंद्र सरकार से तत्काल 5,060 करोड़ रुपए की मदद मांगी है। दक्षिणी गाजा में घुसी इजरायली सेना, संयुक्त राष्ट्र महासचिव को बताया हमास का हमदर्द। इजरायली सेना दक्षिणी गाजा शहर में प्रवेश कर गई है। इजरायली सैनिक दक्षिणी गाजा के खान यूनिस शहर के बीचों बीच पहुंचे और हमास के खिलाफ अभियान तेज कर दिया। इसके साथ ही इजरायली युद्धक विमानों ने घनी आबादी वाले तटीय क्षेत्रों के लक्ष्यों पर ताबड़तोड़ बमबारी की। इजरायल ने हमास के कई ठिकानों को तबाह कर दिया है। वहीं हमास की सशस्त्र शाखा अल कसम ब्रिगेड ने कहा कि इजरायली सेना के साथ लड़ाई काफी भीषण थी। इजरायली टैंक खान यूनिस शहर में शरणार्थी शिविर के पास तैनात थे। दूसरी ओर गाजा में संघर्ष के बीच संयुक्त राष्ट्र महासचिव एंटोनियो गुटेरेस ने बड़ा कदम उठाते हुए यूएन चार्टर के अनुच्छेद 99 को लागू कर संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में भेज दिया है। इस दौरान इसराइल के विदेश मंत्री एली कोहेन ने संयुक्त राष्ट्र महासचिव एंटोनियो गुटेरेस पर हमास का समर्थन करने का आरोप लगाते हुए इस्तीफे की मांग की है। आज के लिए बस इतना ही। कल फिर मिलेंगे देश और दुनिया की नई जानकारियों के साथ। तब तक के लिए देखते रहिए और सब्सक्राइब कीजिए IIMT मीडिया।